हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अनिल कुमार, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल का नाम है healthyeating.com। और फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। और फ्रेंड, आप लोग अगर मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंड ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा रहेगा कि क्रिएटिनिन को कैसे कम किया जाए। फ्रेंड, क्रिएटिनिन बढ़ने लग जाता है जब हमारी किडनी अच्छे से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती है। फ्रेंड, क्रिएटिनिन के साथ साथ हमारी बॉडी भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनाती है, और साथ में हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता रहता है, और भी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कभी ज़्यादा तो कभी कम रहने लग जाता है, क्योंकि हमारी किडनी हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। और जब किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है तो यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। कभी भी आप नोटिस करिएगा, जिस दिन आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है उस दिन आपका क्रिएटिनिन लेवल अपने आप तेज़ी से बढ़ता है, और आपको फीलिंग अच्छी सी नहीं आती है, और आपका सर भारी सा रहता है, और आपकी सारे दिन तबीयत खराब रहती है, क्योंकि किडनी पेशेंट का साथ ये कब्ज की प्रॉब्लम रहने लग जाती है। उसका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से बढ़ता है, उसको भूख नहीं लगती है, उसका जो मुंह का टेस्ट होता है वो भी हमेशा गड़बड़ सा रहता है, और उसको खाने में स्मेल सी आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो खाना अच्छे से नहीं खा पाता है, और दिन पर दिन उसकी हेल्थ बिगड़ती चली जाती है। फ्रेंड, क्रिएटिनिन आपका कम हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन हाँ, इस छोटी सी कोशिश से आपका क्रिएटिनिन लेवल तेज़ी से कम होगा। और कम करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पेट को अच्छे से साफ रखना है। आप पेट को कैसे साफ रख सकते हैं, तो आप पेट को साफ रखने के लिए कुछ दिनों तक डल्कोफ्लेक्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इसका नाम दे दूंगा, डल्कोफ्लेक्स टैबलेट का। आप इन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको काफ़ी समय से कब्ज की प्रॉब्लम है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो आप इसको रात के समय दो गोली खा सकते हैं। आप दो गोली खाएंगे तो एक या दो दिन में आपका पेट अच्छे से साफ होगा। और ये टेबलेट आपको रात के समय खानी है, जब आप खाना खा लें, आप बिल्कुल फ्री हो जाएँ, तब सोते समय आप दो टेबलेट हल्के गुनगुने पानी से खा लें। फ्रेंड, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। ये टेबलेट क्या करती है कि आपकी बड़ी आंत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा को पहुंचाती है। जब बड़ी आंत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुंचता है तो आपका मल जितना भी होता है वो पतला होने लग जाता है, और आपकी बड़ी आंत छोटी आंत एकदम अच्छे से साफ हो जाती है, जिससे आपके पेट में भरी हुई गंदगी और भरे हुए वेस्ट मटेरियल अपने आप ही कम हो जाते हैं। जब आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा तो कुछ ना हद तक तो आपका क्रिएटिनिन लेवल कम रहेगा, और आपको भूख अच्छे से लगेगी। और क्रिएटिनिन लेवल के लिए मैं जल्दी से ही एक वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें आप अपना क्रिएटिनिन लेवल दवाइयों की सहायता से भी कम कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, छोटी सी वीडियो थी, समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद।